नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल My Life Support। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं किस तरह हम एक्सेल में इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा कि किस तरह हम एक्सेल में इनवॉइस बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इनवॉइस ईजिली जनरेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह आप उसे पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोग अच्छे से एक्सेल में इनवॉइस जनरेट करना सीख जाएँ। तो बिना टाइम गंवाएं चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, इनवॉइस बनाने के लिए आपको यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो आपका टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट और दूसरा आपका मेन डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी सिंपल सा और एक बेसिक फॉर्मेट बनाया है। बाकी अगर आप इससे अट्रैक्टिव फॉर्मेट बना सकते हैं तो बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों, हम अपनी सेकेंड सीट में आ जाते हैं जहाँ पर हमारा मेन डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है बिल नंबर, डेट, जीएसटी नंबर, पार्टी नेम, एड्रेस, आइटम नेम, एचएसएन कोड। एचएसएन कोड आइटम का कोड होता है और ये जीएसटी आने के बाद सभी बिल पर प्रिंट होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, अमाउंट आ गया, जीएसटी रेट आ गया, जीएसटी अमाउंट आ गया और यहाँ पर ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अमाउंट निकालने के लिए और जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए या टोटल अमाउंट निकालने के लिए बेसिक से फॉर्मूले यूज़ किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको करना ये है कि आपको अपनी इस शीट में सिर्फ एंट्री करनी है, अपनी जो बिल की डिटेल है उसे यहाँ पर आपको एंटर करना है और आपका शीट वन में जो इनवॉइस का फॉर्मेट बनाया है यहाँ पर आपका इनवॉइस रेडी होता रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, तो हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। इसके बाद आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है क्योंकि हम अपने इस पूरे डाटा को एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डाटा एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग इधर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि ये वाला डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा है। इसके बाद आपको इस शीट में कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपना डाटा एंटर करना है। ठीक है, अभी आपको जो भी काम करना है अपने फॉर्मेट में करना है और यहाँ पर आपको अपने सभी फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए वीलुकअप फार्मूले का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बेसिक से फार्मूले यूज़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लास्ट में जानेंगे। तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। हो सकता है आपको थोड़ा बोर होना पड़े, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस सेल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे डाटा वाले टैब में, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको लिस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको सोर्स देना है, मतलब आपका डाटा का सोर्स कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे सीट टू में और यहाँ पर दोस्तों आपको इनवॉइस नंबर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो फिलहाल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ 4 नंबर तक यहाँ पर सिलेक्शन किया है और जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी वो 4 नंबर तक बनेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपको बार बार ड्रॉप डाउन लिस्ट ना बनाने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आप मल्टीपल सेल का सिलेक्शन करें, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारे सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको सिर्फ अपना बिल नंबर एंटर करते जाना है और आपका जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 414 नंबर तक ये सेल का सिलेक्शन किया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप 414 नंबर तक जो भी बिल काटेंगे वो वहाँ पर ऑटोमेटिक आपका बिल बनता रहेगा। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों हम सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर तक ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल हम इनवॉइस नंबर 1 का इनवॉइस बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे VLOOKUP का फॉर्मूला पार्टी नेम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करिए। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब आप किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इनवॉइस नंबर 1 को ढूंढना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी हमें लगाना है यहाँ पर कोमा, और इसके बाद ये हमसे पूछ रहा टेबल अरे, मतलब आपकी टेबल कौन सी है जो आप डाटा ढूंढना चाहते हैं। तो हमारी C2 में हमारा टेबल है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ऊपर आते हैं और इस पूरी टेबल का हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको फार्मूला बार में जाना है और यहाँ पर लगाना है कॉमा। इसके बाद दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जिस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हैं वो कौन से कॉलम नंबर में है। तो अभी हम पार्टी नेम ढूंढना चाहते हैं तो ये है 4th कॉलम में, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें यहाँ पर 0 टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा पार्टी नेम निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम डेट निकाल लेते हैं VLOOKUP का ही फॉर्मूला यूज़ करके। तो इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करिए। इसके बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू देनी है, तो यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू है इनवॉइस नंबर 1, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद लगाएंगे कोमा। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें लुकअप वैल्यू में हमें इनवॉइस नंबर 1 इस सेल का सिलेक्शन करना है, इस सेल पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू यही रहेगी। इसके बाद हमें टेबल अरे देना है, तो हम C2 में जाएंगे, इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फार्मूला बार में चले जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आप जिस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं वो कौन से कॉलम नंबर में है। तो यहाँ पर 1, 2। ठीक है, तो डेट 2rd कॉलम में है तो हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारी डेट निकल के आ जाएगी। बाकी हो सकता है आपकी यहाँ पर डेट निकल के ना आए, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाना है और यहाँ पर आपको डेट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये जो सेल है ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एड्रेस। ठीक है, तो इसके लिए लगाएंगे VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करिए, लुकअप वैल्यू में इस वाले सेल पर क्लिक करना है, कोमा लगाना है, टेबल अरे देना है, तो C2 में जाएंगे, इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, एड्रेस देना है अभी हमें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एड्रेस कौन से कॉलम में है, 5 नंबर में, तो यहाँ पर हमने 5 दे दिया, कोमा लगाया, 0 टाइप किया एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा एड्रेस भी निकल के आ गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें देना है GST नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करिए, लुकअप वैल्यू इनवॉइस नंबर 1 पर क्लिक कर देंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल अरे देना है, तो C2 में जाएंगे, इसके बाद इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ जाएंगे फार्मूला बार में, इसमें कोमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, तो यहाँ पर GST नंबर कौन से कॉलम में है, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ही हमारा GST नंबर निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लेकर आना है अपना आइटम नेम। ठीक है, तो इसके लिए भी हम VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करिए, लुकअप वैल्यू इस सेल पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे C2 में जाएंगे, यहाँ पर इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करना है हमें, फार्मूला बार में जाके कॉमा लगाएंगे,
कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर आइटम नेम कौन से कॉलम में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, आइटम नेम 6 में है, तो हम यहाँ पर 6 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा आइटम नेम निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अपना HSN कोड, ठीक है, तो इसके लिए भी हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करिए, लुकअप वैल्यू, इनवॉइस नंबर 1 पर क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे पूछ रहा है, सीट 2 में जाएंगे, इस पूरी टेबल का हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्मूला बार में जाना है और यहाँ पर कॉमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो HSN कोड कौन से कॉलम में है, इसकी गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, तो यहाँ पर हम 7 डाल देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा HSN कोड निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अपनी क्वांटिटी, ठीक है, तो इसके लिए इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करिए, लुकअप वैल्यू, इनवॉइस नंबर 1 पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे के लिए शीट 2 में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी इस पूरी टेबल का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद फार्मूला बार में जाना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अभी आप जिस वैल्यू को देखना चाहते हैं वो कौन से कॉलम में है, तो अभी हम क्या देखना चाहते थे बताइए, अभी हम देखना चाहते थे क्वांटिटी, ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पर है, तो इसको काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 टाइप करेंगे, कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम अपना निकाल लेते हैं रेट, तो इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करिए, लुकअप वैल्यू में इनवॉइस नंबर 1 पर क्लिक कर देंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल अरे के लिए शीट 2 में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे कोमा, अभी देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आप जिस वैल्यू को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, वो कौन से कॉलम नंबर में है, तो अभी हमारा रेट है यहाँ पर, तो अभी काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 9 टाइप करना है, कोमा लगाना है, एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी हम अमाउंट निकालने के लिए और यहाँ पर CGST, SGST और IGST और टोटल अमाउंट निकालने के लिए बेसिक फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं, क्वांटिटी वाले सेल पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, रेट वाले इस सेल पर क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है, तो इसके लिए हम ऑल्ट इक्वल प्लस दबाएंगे, तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम टैब की प्रेस करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर कुछ भी एंट्री करेंगे, जैसे कि हमारी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई या 2 आइटम ऐड हो गए, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फार्मूला अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं अपना CGST, तो CGST निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं अपना VLOOKUP का फार्मूला, ठीक है, तो इसके लिए लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू VLOOKUP, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में हमें इनवॉइस नंबर 1 पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें लगाना है कोमा, इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे के लिए सीट 2 में जाएंगे, यहाँ पर इस पूरी टेबल का हम सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद फार्मूला बार में जाके कोमा लगाना है, इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आप जिस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं वो कौन से कॉलम नंबर में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, तो यहाँ पर ये 11 नंबर पे है हमारा GST रेट, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 11, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा GST का परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 0.18 आ रहा है,
ठीक है। तो इसे परसेंटेज में दिखाने के लिए हमें इस सेल को परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाते हैं माउस का राइट बटन प्रेस करके, और इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वही वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम CGST, IGST और SGST को भी, इन तीनों सेल को परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर आपको परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये तीनों सेल भी परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा IGST सेम होता है, जो GST का रेट होगा वही हमारा IGST होगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, इस सेल पर क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा IGST निकल के आता रहेगा, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। IGST हमारा जो भी टैक्स बनता है तो वो भारत सरकार को जाता है, और IGST तब लगता है जब आप अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, तब हमारा IGST लगता है, और CGST और SGST तब लगता है जब आप अपने स्टेट के अंदर सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधा अमाउंट, आधा टैक्स का जो अमाउंट होता है वो आपकी भारत सरकार को जाता है, और दूसरा जो अमाउंट होता है, बाकी आधा जो अमाउंट बचता है वो आपकी स्टेट की सरकार को जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम भी बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इक्वल टू, इस सेल पर क्लिक करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, टू टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा CGST निकल के आ जाएगा। इसी तरह हमारा SGST भी निकलेगा। इक्वल टू GST वाले इस सेल पर हम क्लिक करेंगे, इस वैल्यू पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, टू टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा SGST निकल के आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप दो तरह का इनवॉइस बना सकते हैं, पहला तो आप जो अपने स्टेट में सेल करते हैं, दूसरा वो जो आप अपने स्टेट के बाहर सेल करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये इनवॉइस लोकल सेल के लिए बना रहा हूँ, जो हम अपने स्टेट के अंदर सेलिंग करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको स्टेट के बाहर सेल करना है तो आप यहाँ पर IGST का भी इनवॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम निकाल लेते हैं अपना CGST, तो इसके लिए लगाएंगे हम इक्वल टू, इस वैल्यू पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि जो हमारा टैक्स का कैलकुलेशन होता है वो बेसिक वैल्यू पर होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और CGST वाले इस रेट पर क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा CGST निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी तरह हम SGST भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू, इस वैल्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, SGST वाले इस वैल्यू पर क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा SGST निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका CGST और SGST एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपना टोटल अमाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ऑल्ट इक्वल प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा सम का फॉर्मूला लग जाएगा। बाकी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर की वैल्यू को पिक नहीं कर रहा, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ कोने पर आना है और अपना माउस दबा के रखना है और इसे ऊपर तक ले आएं, ठीक है। इसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप किसी वैल्यू को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी वैल्यू को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक एडिन फाइल का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। एडिन फाइल को एक्सेल की फाइल में ऐड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पे एक एडिन फाइल है और अभी हम इसे ऐड करेंगे अपनी एक्सेल की सीट में, ठीक है। बाकी ये ऐड आपको एक ही बार करना है, बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं इनवॉइस में और इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे अपने फाइल वाले टैब में, इस पर क्लिक करिए और इसके बाद आपको जाना है ऑप्शंस में, इस पर क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद आपको यहाँ पर एडिंस का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो हम एडिन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज एक्सेल एडिंस लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको एक्सेल एडिंस पर क्लिक रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली गो पर क्लिक करिए। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिंस का, यहाँ पर जो भी एडिन फाइल अवेलेबल होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम एक नई एडिन फाइल ऐड करना चाहते हैं, तो हम ब्राउज पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अभी हमारी एडिन फाइल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है, ठीक है, तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास एडिन फाइल है स्पेल नंबर के नाम से, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारी एडिन फाइल ऐड हो जाएगी। बाकी ध्यान रखना, इस पर टिक लगा होना चाहिए। इसके बाद आप सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है एक फॉर्मूला इक्वल टू स्पेल नंबर, ठीक है। इसके बाद टैब की हमने प्रेस किया और यहाँ पर आपको इस वैल्यू पर क्लिक कर देना है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपकी जो भी वैल्यू होगी वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपकी जो एडिन फाइल है ये यहीं पर रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इससे मूव कर दोगे, इसे डी या सी ड्राइव में डाल दोगे, तो हो सकता है ये वर्क ना करे, ठीक है। तो इसे जहाँ पर भी आप सेव कर रहे हैं वहीं पर रहने दें, चाहे तो आप सी ड्राइव में सेव कर लें या डी ड्राइव में सेव कर लें या किसी ऐसे फोल्डर में सेव कर दें जहाँ पर कोई इस फाइल को डिलीट ना करे, ठीक है। इसके बाद हम इनवॉइस खोलते हैं अपना, और इसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पर हमारा पूरा इनवॉइस रेडी है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी स्टैंप लगानी है और अपने साइन करके कस्टमर को दे देना है। बाकी अगर आप यहाँ पर ये भी नहीं चाहते तो आप यहाँ पर ये सब डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज़ द कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्नेचर, ठीक है। तो ये भी वैलिड हो जाएगा आपका बिना सिग्नेचर के। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम इनवॉइस नंबर चेंज करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम लेते हैं इनवॉइस नंबर 3 और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो गया। इनवॉइस नंबर 4 लेते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इस डिटेल को वेरीफाई कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर 2 BGS एंटरप्राइज शालीमार बाग दिल्ली एड्रेस, ठीक है। इनवॉइस नंबर 2 BGS एंटरप्राइज शालीमार बाग दिल्ली एड्रेस हो गया। आइटम नेम देख लो, कुकर है, 1100 है, 750 है, ठीक है। आइटम नेम कुकर है, 1100 है, 750 है, HSN कोड सेम है। GST नंबर S39 है लास्ट में और यहाँ पर हमने लिया है S39 और यहाँ पर हमने बीच में मेंशन किया है BBA, ठीक है। सीट 1 में चलते हैं BBA, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम इसका टोटल अमाउंट देख लेते हैं, तो ये आ रहा है 9,73,500, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी डिटेल है वो एकदम करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और इनवॉइस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ इनवॉइस नंबर 5 20/11/2018 में। GST नंबर में हम यही ले लेते हैं या इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लगा देते हैं GG और इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं हम ABC एंटरप्राइजेस, ठीक है। और इसके बाद एड्रेस में डाल देते हैं हम XYZ और आइटम में स्लाइसर ले लेते हैं और HSN कोड हम दूसरा ले लेते हैं 732100, ठीक है। क्वांटिटी में ले लेते हैं हम 10 और रेट ले लेते हैं 50, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट हमारा निकल के आ चुका है ऑटोमेटिक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं अपना GST रेट, जैसे 12% ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा GST अमाउंट और टोटल अमाउंट भी निकल के आ चुका है। इसके बाद हम चलते हैं अपना शीट 1 में जहाँ पर हमारा इनवॉइस रेडी हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इनवॉइस नंबर 5 और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इनवॉइस रेडी है। ABC एंटरप्राइजेस XYZ एड्रेस डाला था, स्लाइसर लिया था, HSN कोड यही लिया था हमने, क्वांटिटी 10 और यहाँ पर रेट आ गया हमारा 50 और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आ गया हमारा 560, ठीक है।
सीट टू में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 560 आ चुका है, ठीक है। बाकी की डिटेल भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट्स इनवर्ट्स देख लेते हैं, तो ₹560 ओनली, ठीक है। तो ये हमारा सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है और यहाँ पर ये हमारा GST नंबर भी एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला भी अपना काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम एक और इनवॉइस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि इनवॉइस नंबर 6, और यहाँ पर ले लेते हैं 30/11/2018, GST नंबर यही ले लेते हैं। और इसमें लास्ट में हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि FFF कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं हम श्याम एंटरप्राइजेस। इसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस में क्या डालें, XYZZZ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आइटम नेम में ले लेते हैं डाइसर, ठीक है। HSN कोड ले लेते हैं 54321, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी में ले लेते हैं हम अपना 500, और यहाँ पर रेट में ले लेते हैं 500, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अमाउंट हमारा निकल के आ चुका है, GST रेट ले लेते हैं हम अपना 5%, और यहाँ पर हमारा GST अमाउंट और टोटल अमाउंट भी निकल चुका है। इसके बाद हम चलते हैं सीट वन में, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं इनवॉइस नंबर 6, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो पार्टी है उसका इनवॉइस जनरेट हो चुका है। श्याम एंटरप्राइजेस, एड्रेस XYZZ लिया था, GST नंबर हमने FF लास्ट में लगाया था, FF लगाया था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने आइटम लिया था डाइसर, HSN कोड यही लिया था, क्वांटिटी 500, रेट भी 500, ठीक है। तो यहाँ पर ये यह हमारा इनवॉइस बन गया 26-2500, ठीक है। इस पे जाते हैं 26-2500। इसके बाद सीट वन में चलते हैं, और यहाँ पर जो GST परसेंटेज था हमारा 5% था, 5%, ठीक है। यहाँ पर भी 5% आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा CGST और SGST अब ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर वर्ड्स में देख लेते हैं, ₹2,62,500 ओनली, ठीक है। तो ये वर्ड्स में भी हमारा निकल के आ जा रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप एक्सेल में इनवॉइस बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह आप इसे एक PDF फाइल में सेव कर सकते हैं, ताकि आप उस PDF फाइल को जिस भी पार्टी को मेल करना है मेल कर सकें, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने इस पूरे इनवॉइस को सिलेक्ट करना है, जहाँ तक भी आपने अपना इनवॉइस बना रखा है। इसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट में, यहाँ पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको किसी पेज को प्रिंट करना नहीं आता एक्सेल में, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरह आप किसी बड़ी से बड़ी शीट को एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। इसके बाद हम प्रेस करते हैं Ctrl+P, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास प्रीव्यू आ चुका है हमारे इनवॉइस का। इसके बाद मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा इनवॉइस प्रिंट होके आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इनवॉइस होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसे आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इस इनवॉइस को एक PDF फाइल में सेव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रेस करना है F12, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर दे देना है, जैसे कि इनवॉइस नंबर 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर 6 मेंशन कर दीजिए। फाइल नेम में सेव एज टाइप में आपको यहाँ पर PDF पर क्लिक करना है, और इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आपकी एक PDF फाइल में सेव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारी PDF फाइल ओपन भी हो चुकी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा इनवॉइस बनके रेडी है। बाकी अगर आपको इसे किसी पार्टी को मेल करना है तो मेल कर दीजिए, बाकी अगर आपको इसे अपने रिकॉर्ड में रखना है तो आप इसे अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों इस एक्सेल सीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस एक्सेल सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ये पूरा मेन डाटा मिल जाएगा, ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।